मेरी 10 साल की बेटी हर रोज सुबह उठते ही अपने कपड़े बदलती थी और मुझसे कहती थी, माँ मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। एक रात राज जानने के लिए मैं उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह कहानी तब की है जब मेरी बेटी बड़ी हुई और मुझसे रोज दर्द की शिकायत करने लगी। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो माँ बाप को उसका खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सही और गलत की समझ नहीं होती है। हालांकि मेरे पति को बेटे की चाहत थी, उन्होंने हमारी बेटी से कभी भी प्यार नहीं किया। मेरा नाम सुनीता है, मैं एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ। मेरी बेटी शालिनी क्लास 4 में पढ़ती है। मेरे पति एक ठेकेदार का काम करते हैं और मेरे देवर भी उनकी मदद करते हैं। मेरे देवर 25 साल के हैं और अब तक शादी नहीं की है। मेरी बेटी के जन्म के बाद डॉक्टर ने मुझे दूसरा बच्चा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बहुत ही मुश्किल से तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की जान बची है, अगर दूसरा बच्चा करोगी तो तुम्हारी जान जा सकती है। तब से ही मेरे और मेरे पति के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। मेरे पति एक बेटा चाहते थे और मेरी बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। मेरे पति ना ही कभी हमारी बेटी को स्कूल छोड़ा, ना ही कभी उसे घुमाने ले जाते थे, और जब भी मैं अपनी बेटी पर ध्यान देती थी तब भी वह यह बात पसंद नहीं करते थे। न जाने क्यों मेरी बेटी को वह पिता का प्यार उन्होंने कभी दिया ही नहीं। लेकिन मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी होने लगी, मेरे पति से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। कभी कभी बड़े प्यार से उसे बात करते थे और मैं और मेरी बेटी देखकर हैरान रह जाते थे कि ये वही आदमी है जिसने अपनी बेटी के बचपन में उसका साथ कभी दिया ही नहीं। एक दिन मेरे पति ने कहा, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मेरी बेटी ने कुछ लाने को कह दिया, पर वह भी हैरान रह गई। उसका बाप जो कभी कुछ लाकर नहीं देता था, आज उस आदमी को क्या हो गया, वह भी अपने पिता से ज्यादा करीब नहीं आती थी। मेरी बेटी के लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। धीरे धीरे मेरे पति मेरी बेटी से नजदीकियां बढ़ाने लगे। कभी कभी स्कूल छोड़ आते थे और कभी स्कूल से ले आते थे, कभी उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाते थे। जब मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आजकल बेटी पर बहुत प्यार आ रहा है, तो वह कहते थे, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, हमारी एक ही तो औलाद है, इससे प्यार नहीं करूँगा तो किससे करूँगा, यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैंने कहा, जब हमारी बेटी छोटी थी तब तो आपने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। एक औलाद को बड़ा करने की जो खुशी है वह तो आपको कभी मिला ही नहीं। मेरे पति ने कहा, हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं अपनी बेटी पर ध्यान दूंगा, अब मैं एक भी लम्हा जाने नहीं दूंगा। मैं खुश थी कि कम से कम मेरी बेटी को अब उसके पिता का प्यार मिलेगा। उस समय मुझे नहीं मालूम था आगे क्या खतरा आने वाला है मेरी बेटी की जिंदगी में। मेरी बेटी बहुत ही मासूम थी, मैंने उसे बहुत ही प्यार से बड़ा किया था। एक दिन मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार आ गया, उसके पूरे बदन में दर्द था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। मैं उसे बच्चों के डॉक्टर के पास लेकर गई। उन्होंने उसे बुखार और दर्द की दवा दी, जिसे लेकर वह तब के लिए ठीक हो गई। लेकिन वह रोज रोज मुझसे पैर दर्द कमर दर्द की शिकायत करती रहती थी। मुझे लगा इतनी कम उम्र में मेरी बेटी को कमजोरी कैसे आ रही है। मैं उसे पौष्टिक आहार देने लगी, साथ ही मैं उसे पार्क भी ले जाने लगी ताकि वह खेल कूद कर थोड़ी मजबूत हो। कभी कभी पार्क में जाकर वह बस बैठी रहती थी। जब मैं उसे खेलने के लिए कहती थी, वह बोलती थी, मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कमर में बहुत दर्द है, डॉक्टर के पास ले जाओ, तो वह विटामिन की दवा और दर्द की दवा दे दिया करते थे। एक दिन मेरी बेटी सुबह उठी, अपने कपड़े बदल कर मेरे पास आई और बोली, मम्मी मुझसे चला नहीं जा रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है बेटा, तुम आज फिर घर में ही रुक जाओ। जब मैं उसके पापा से कहा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है और घर में ही रुकना चाहती है, तो मेरे पति ने कहा, ठीक है मैं घर पर रुक जाता हूँ, उसका ख्याल रखूँगा, तुम स्कूल चली जाओ। मैं स्कूल चली गई, पर स्कूल में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बार बार मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी, आखिर उसे क्या परेशानी हो रही है, कोई बीमारी तो नहीं है। जब मैं घर पहुँची, मैंने देखा मेरी बेटी बहुत ही खोई खोई सी है। वह चुपचाप लेटी थी, कुछ भी बात नहीं कर रही थी। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। मेरे पति के साथ साथ मेरे देवर भी उस दिन घर
पर ही रुक गए थे। मैंने अपने पति से कहा, आखिर बात क्या है, इसकी तबीयत दिन ब दिन कैसे बिगड़ती जा रही है। मेरी बेटी भी मेरे स्कूल में ही पढ़ती थी। मैंने अपनी बेटी के क्लास टीचर से बात किया। उसकी क्लास टीचर ने कहा कि वह बहुत खोई खोई सी रहती है, कभी किसी से बात नहीं करती है और हमेशा दर्द की शिकायत करती है। मैंने कहा, मैंने भी यह देखा है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं 2-3 बार डॉक्टर के पास भी लेकर गई हूँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। उसकी क्लास टीचर ने कहा, तुम किसी गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाओ, अब यह बड़ी हो रही है, शायद किसी तरह की समस्या हो, गायनोकोलॉजिस्ट तुम्हें अच्छे से बता देंगी। फिर क्या था, मैंने वही किया, एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाकर मैंने उसकी सारी समस्या बताई। डॉक्टर ने उसकी जाँच की और उसके बाद मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरे सिर पर मानो आसमान गिर गया। मैंने उससे कहा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, यह तो बहुत ही मासूम लड़की है जिसे ज़्यादा दुनियादारी पता नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा गुमसुम रहती है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। जब मैं घर आई मैं बहुत ही परेशान थी, डॉक्टर की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। वो केवल 10 साल की है, एकदम मासूम, इसके साथ कुछ ऐसा वैसा। मैंने अपनी बेटी का सामान अपने कमरे में शिफ्ट करवा दिया। मेरे पति आए तो बोले, क्या कर रही हो। मैंने कहा, आज से मेरी बेटी मेरी कमरे में ही रहेगी, तुम अपना सामान लेकर उसके कमरे में शिफ्ट हो जाओ। इस पर वह गुस्सा होने लगे। मैंने कहा, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो, वैसे भी हम दोनों के बीच में काफ़ी दूरियाँ हैं, तो तुम अलग सो जाओगे तो मर नहीं जाओगे, आज से मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी। उसको यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। मैंने देखा मेरे पति और मेरे देवर दोनों का मुंह उतरा हुआ है। मेरी बेटी की हिफाजत मेरी पहली जिम्मेदारी है और वह मैं करके रहूंगी। मेरी बेटी आज बहुत खुश नजर आई क्योंकि वह अपनी माँ के साथ थी। अगले महीने 11 साल की हो जाएगी, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, अब मुझे उसे अपना दोस्त बनाना होगा। जब से मेरी बेटी मेरे साथ मेरे कमरे में सोने लगी मेरे पति का बर्ताव बिल्कुल ही बदल गया, हर वक्त चिड़चिड़े रहने लगे। मेरा देवर मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता था। आजकल मेरे पति ना ही मेरे बेटी से कुछ बात करते थे ना ही उसके लिए कुछ लेकर आते थे। एक दिन रात को मैंने कुछ खाना बनाया और खाकर मैं सो गई। मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई। काफी रात को जब मेरी नींद खुली मैंने देखा मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। मैं बिल्कुल घबरा गई, मैं कभी भी इतनी गहरी नींद में नहीं सोई। जल्दी से उठकर मैं अपनी बेटी को ढूंढने लगी, मुझे लगा शायद बाथरूम गई है। मैं दौड़ते हुए बाथरूम में गई पर वह वहां नहीं थी। फिर मैं उसके कमरे में गई, जैसे ही मैंने उसके कमरे का दरवाजा खोला मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ऐसा नजारा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। घर एक ऐसी जगह होती है जहां हम सुरक्षित रहते हैं, पर हमारा घर हमारी बेटी को सुरक्षा नहीं दे सका। शैतान रहता है हमारे घर पर। ना जाने मेरी बेटी यह सब कुछ कब से सह रही है। आज समझ आ रहा है मुझे कि कितना दर्द सहा होगा इसने, बस अब हद ही हो गई। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गई अपनी बेटी को लेकर और मैं पुलिस को सारी बात बता दी जो मैंने देखा था। घर पर पुलिस आई और मेरे पति और मेरे देवर को पकड़कर ले गई। उन्होंने मेरी बेटी को कुछ टेस्ट करवाने के लिए भेजा। जब टेस्ट का नतीजा आया तो मेरी रूह कांप उठी। मेरे पति और मेरे देवर आज अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। एक नाबालिग लड़की के साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया इसकी जितनी भी सजा मिले वह कम ही है। मेरी बेटी अब सारी जिंदगी इसी डर के साथ जिएगी। मैं अपनी बेटी को थेरेपिस्ट के पास लेकर गई। मैं चाहती हूँ इसे एक अच्छी जिंदगी मिले, पर पुलिस प्रेस करके यह सब कुछ इतना हल्ला हो गया कि इस शहर में इसे अच्छी जिंदगी देना अब बहुत ही मुश्किल था। अब मेरी बेटी काफी बड़ी हो चुकी थी, सजा मिलते मिलते काफी साल बीत चुके थे। मैं अपनी बेटी को दूसरे शहर में कॉलेज में भर्ती करवा कर खुद भी इस शहर में शिफ्ट कर गई। आज मैं एक टीचर हूँ और अब लड़कियों को एजुकेशन भी देती हूँ ताकि किसी और लड़की के साथ यह सब कुछ ना हो।